गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप आईएएस डेली करेंट अफेयर एमसीक्यू डिस्कशन में आपका स्वागत है। हम हर दिन कुछ महत्वपूर्ण सोर्सेस जैसे द हिंदू, मेंट, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, राज्यसभा टीवी इत्यादि से आईएएस या पीसीएस में पूछे जा सकने वाले करेंट अफेयर के टॉपिक लेकर आते हैं, आपके साथ एमसीक्यू के रूप में डिस्कशन करते हैं। ये जुलाई महीने का हमारा तीसरा डिस्कशन वीडियो है। चलिए हम आज का अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारे डिस्कशन का पहला प्रश्न क्या कहता है, स्वदेश दर्शन योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? आपको बताना है कि स्वदेश दर्शन योजना जो 2014-15 में पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया था, उसके उद्देश्य क्या थे। फ्रेंड्स, आप हमारे इस डिस्कशन को जीएस पेपर 2 और 3 गवर्नमेंट स्कीम इनिशिएटिव टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़कर देख सकते हैं। हम एक एक कथन को देखते हैं, उससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है उसे जानने की कोशिश करेंगे। इस बात को भी देखेंगे कि कथन गलत है या फिर सही है। सबसे पहले आपको इस योजना से संबंधित यही जानकारी याद रखनी है कि स्वदेश दर्शन योजना कौन से मंत्रालय के अंतर्गत और कब शुरू किया गया था। ये पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत 2014-15 में शुरू किया गया था। पहला कथन क्या कहता है, पहचान किए गए क्षेत्र में आजीविका उत्पन्न करने के लिए देश के सांस्कृतिक और विरासत मूल्यों को बढ़ावा देना। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही है। क्यों? जब स्वदेश दर्शन योजना को शुरू किया गया था, उस समय जो भारत की सांस्कृतिक और विरासत वाली स्थल है, उन स्थलों को डेवलप किया जाएगा, उन स्थानों को इस प्रकार से विकसित किया जाएगा ताकि वहां पर पर्यटन करने के लिए देश विदेश से लोग जाएंगे। यदि उस क्षेत्र पर लोग पर्यटन करने के लिए जाएंगे तो निश्चित रूप से रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, और यदि रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे तो लोगों को अपनी आजीविका चलाने में दिक्कत नहीं होगी। पहला कथन कह रहा था कि लोगों के आजीविका उत्पन्न करने में ये मदद करेगा। किस क्षेत्र के लिए? पर्यटन के क्षेत्र को यदि बढ़ावा दिया जाता है तो, यानी कि पहला कथन जो है वो बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कहता है, स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से रोजगार का सृजन करना। यह भी सही है, क्योंकि स्वदेश दर्शन के अंतर्गत जिन क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं का सृजन किया जाना था, निर्मित किया जाना था, उसमें लोगों को रोजगार उपलब्ध होता। जब एक बार उस क्षेत्र में आधारभूत संरचना बन जाती, उसके बाद उस क्षेत्र में विदेश से भी लोग आते पर्यटन करने के लिए, देश से भी लोग आते पर्यटन करने के लिए, घूमने के लिए, तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होते। यानी कि दूसरा कथन जो है वो बिल्कुल सही है। तीसरा कथन कहता है, सर्किट या गंतव्य में विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे को विकसित करके पर्यटकों के आकर्षण को स्थायी रूप से बढ़ाना, ये भी बिल्कुल सही है। भारत में बहुत सारे ऐसे सर्किटों की पहचान की गई है जो पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देगा। सर्किट कहने का मतलब होता है कि जैसे भगवान बुद्ध से जुड़े हुए जितने भी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों को पहचाना जाएगा और वहां आने जाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा, चाहे वो रोड बनाकर किया जाए या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए सड़क के माध्यम से गाड़ी की व्यवस्था की जाए, ऐसी व्यवस्था हो ताकि लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में कोई दिक्कत ना हो। ऐसे ही बहुत सारे सर्किट बनाने की बात की गई थी। भगवान राम से जुड़े हुए स्थलों को पहचाना गया, कृष्ण से जुड़े हुए स्थलों को पहचाना गया, जनजातीय समूहों से जुड़े हुए जो भी स्थल हैं वहां एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए, साथ ही जो भी स्थल हैं उनको डेवलप करने की बात इसी के माध्यम से की गई थी। ये कोई एक क्षेत्र नहीं है, बहुत सारे सेक्टर हैं, तो इसे हम अभी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आप देखिए कि तीनों के तीनों उद्देश्य बिल्कुल सही हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगर हम बात करें कि अभी ये न्यूज में क्यों आया है, तो पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत एक और क्षेत्र को विकसित करने की योजना बनाई है। वो जो क्षेत्र है वो श्री नारायण गुरु आश्रम से संबंधित है। श्री नारायण गुरु जो है वो तमिलनाडु से संबंधित है, माफ कीजिएगा, केरल से संबंधित है, और ये जिस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उसको एक सर्किट के रूप में डेवलप किया जाएगा और पर्यटन को बढ़ावा देते हुए आसपास के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी। इसी के अंतर्गत पर्यटन मंत्रालय के द्वारा 69.47 करोड़ रुपए खर्च कर किए जाने की बात की गई है, तो इसलिए यह न्यूज में था। अब हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, सबसे पहले तो यही स्वदेश दर्शन योजना कब शुरू किया गया था
और कौन से मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया था, इसे आप याद रखेंगे। उद्देश्य हम देख चुके हैं। अब जो सर्किट की पहचान की गई है उसमें आप याद रखेंगे कि उत्तर पूर्व भारत सर्किट, बुद्ध सर्किट, हिमालय सर्किट, कोस्टल सर्किट, कृष्ण सर्किट, डिजर्ट सर्किट, ऐसे ही करके बहुत सारे सर्किट हैं, चाहे वो सूफी सर्किट हो, रामायण सर्किट हो, ऐसे करके पहचान किए गए हैं और उनको एक रास्ते के रूप में, एक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी स्वदेश दर्शन योजना से संबंधित, आप इन सारी बातों को याद रखेंगे। अगर हम बात करें श्री नारायण गुरु का, तो ये केरल के एक महान संत, विद्वान, दार्शनिक और समाज सुधारक थे। इनका जन्म 1856 में तिरुवनंतपुरम में हुआ था। इन्होंने मुख्य रूप से छुआछूत के खिलाफ कार्य किया। जब इनका जन्म हुआ था तो इनका जन्म एक अछूत समझे जाने वाली किसान परिवार के घर पर हुआ था। इन्होंने जो अपने आसपास के वातावरण देखे उसके बाद इन्होंने सोचा कि समाज में समानता लाने के लिए कुछ करना चाहिए। इन्होंने अपनी जाति को ऊपर उठाने के लिए बहुत सारे कोशिश किए और इन्होंने एक लाइन दिया था, एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। इनके द्वारा 1888 में सबसे महत्वपूर्ण अरवीपुरम आंदोलन को शुरू किया गया था। ये आंदोलन क्या था कि शिवरात्रि के रात में ये एक मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं अपने पूरे समुदाय को लेकर। लेकिन वो जो शिव मंदिर था उसमें स्थानीय इझवा समुदाय के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था कि इस अछूत समझी जाने वाली जाति को इस मंदिर में प्रवेश नहीं करने देना है। उस रात को भी यही हुआ, वहां पर इनको प्रवेश करने नहीं दिया गया। इन्होंने खुद का एक मंदिर का निर्माण किया और आज ये मंदिर काफी प्रसिद्ध है। और इसी से प्रभावित होकर प्रसिद्ध कवि कुमारन इनके गुरु, इनके शिष्य बन गए और आजीवन इनके शिष्य के रूप में उन्होंने कविताएं लिखते रहे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, आप याद रखेंगे ये कहां से जुड़ा हुआ है, ये किस मतलब किस समुदाय से थे, साथ ही ये कौन से आंदोलन को संचालित किए थे, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। इन सारी बातों को आप याद रखेंगे। हमारे डिस्कशन का दूसरा प्रश्न क्या कहता है, खर्ची पूजा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। आपको चार राज्यों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि यह पूजा कहां पर मुख्य रूप से किया जाता है। फ्रेंड्स, आप हमारे इस डिस्कशन को जीएस पेपर 1 के कला, संस्कृति और भारतीय विविधता से जोड़कर देख सकते हैं। यदि हम बात करें फ्रेंड्स खर्ची पूजा का, तो ये त्रिपुरा में किया जाता है, आप याद रखेंगे। खर्ची पूजा कहाँ किया जाता है, त्रिपुरा में। न्यूज में क्यों आया है, क्योंकि लॉकडाउन के दौर में खर्ची पूजा को करने की अनुमति दे दी गई है। खर्ची पूजा जब किया जाता है तो यहाँ पर मेला का आयोजन भी किया जाता है। तो जो इसके आयोजन करता है उन्होंने कहा कि हम केवल पूजा करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करेंगे, जो मेला का आयोजन किया जाता है उसका आयोजन इस बार नहीं किया जाएगा, ऐसा वादा किया गया है। देखना होगा कि क्या होता है। इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको आपको याद रखना है। सबसे पहले कि ये किस राज्य से जुड़ा हुआ है, दूसरा जब ये पूजा किया जाता है तो एक साथ 14 देवताओं का पूजा किया जाता है। जो तीसरी बात आपको याद रखनी है वो ये कि त्रिपुरा की जितने भी जनजातियां हैं, चाहे वो आदिवासी जनजाति है या फिर गैर आदिवासी जनजाति है, सभी लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण उत्सव होता है और सभी इस पूजा के अवसर में शामिल होते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है, त्रिपुरा में बहुत सारी जनजातियां हैं, आपको कोई स्पेशल जनजाति का नाम याद नहीं रखना है, वहां आपको याद रखना है कि सारे ऑल इस पूजा में शामिल होते हैं। तो आपको यही याद रखना है। ये इस प्रकार के कुछ आसन बनाए जाते हैं और इसमें 14 देवताओं को स्थान दिया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी इसके संबंध में, आप याद रखें। हमारे डिस्कशन का तीसरा प्रश्न क्या कहता है, प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण अन्न योजना, ये ग्रामीण कल्याण नहीं गरीब कल्याण अन्न योजना है, तो यहां गरीब कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के संबंध में निम्नलिखित पर कथनों पर विचार करें। दो कथन दिए गए हैं, आपको सही कथन की पहचान करनी है। आप हमारे इस डिस्कशन को जीएस पेपर 2 के वेलफेयर स्कीम से जोड़कर देख सकते हैं। यदि हम बात करें फ्रेंड्स
पहले कथन का, तो कहता है कोरोना वायरस संकट के दौरान गरीबों और जरूरतमंदों को मुफ्त खाद्यान्न वितरित करने के लिए यह योजना शुरू किया गया था। यह बिल्कुल सही है। जो कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन शुरू हुआ उसके बाद भारत सरकार के द्वारा राहत पैकेज की घोषणा की गई थी, उसके अंतर्गत हर परिवार को 5 किलो अनाज दिया जाना था, चाहे वो चावल के रूप में या तो गेहूं के रूप में, और 1 किलो चना दिया जाना था। ये जो योजना घोषित की गई थी उसकी अवधि जून 30 तक थी। अब जून महीना समाप्त हो गया है, लॉकडाउन तो समाप्त हुआ नहीं, तो इस योजना को आने वाले नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो जो नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया उसे ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कहा गया है। तो ये पहला कथन क्या कहता है कि कोरोना वायरस संकट की वजह से गरीबों और जरूरतमंदों को मुफ्त खाद्यान्न वितरित करने की योजना शुरू की गई थी। बिल्कुल सही है, लोगों को अनाज दिया जा रहा है, उसको नवंबर तक ही बढ़ा दिया गया है। दूसरा कथन कहता है इस योजना के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि टारगेटेड पीडीएस के तहत केवल लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्राप्त होंगे। बिल्कुल सही है, लगभग 80 करोड़ ऐसे लोगों की पहचान की गई है जिनको खाद्यान्न की उपलब्धता आवश्यक रूप से की जाएगी। इन लोगों को लाल कार्ड, पीला कार्ड और जो अंत्योदय कार्ड इत्यादि के माध्यम से राशन दिए जाते हैं, सभी लोगों को इसके माध्यम से इस योजना के अंतर्गत अनाज का वितरण मुफ्त में किया जाएगा। तो यह दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है, यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से हम देखें तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं का जिसे आपको याद रखना है, वो ये कि इस योजना के अंतर्गत भारत की लगभग 2/3 यानी कि लगभग 75% आबादी जो है, वो लगभग 66% जो आबादी है वो इसका लाभ उठाएगी और उनकी जनसंख्या लगभग 80 करोड़ के आसपास होगी। जो दिया जाएगा अनाज वो बिल्कुल मुक्त होगा। जो वितरण करने के लिए मंत्रालय को चुना गया है, जो मंत्रालय इसके अंतर्गत कार्य कर रही है उसे भी आपको ध्यान रखना है, केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, ये मंत्रालय है जो इस योजना को लागू कर रही है। इनके द्वारा ऐसा बताया गया कि 116.02 लाख टन अनाज राज्यों को बांट दिए गए हैं। अब राज्यों की जिम्मेदारी है कि उसे लाभार्थियों तक पहुंचाया जाए। अगर राज्य चाह गए ना तो एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहेगा जो भूखा सोए। तो ये राज्यों के ऊपर अब डिपेंड करता है, केंद्र सरकार ने अपना काम कर दिया है, राज्य सरकारों का जिम्मेदारी है कि इसे लाभार्थियों तक सफलतापूर्वक पहुंचाया जाए। इसको लगभग सितंबर तक बढ़ाने की बात कही थी, जब अभी प्रधानमंत्री ने वार्ता किया था सभी मुख्यमंत्रियों के साथ, तो उन्होंने कहा था कि 21 राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा था कि इसे सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया जाए। प्रधानमंत्री जी ने इनको नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया जाए। जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है यानी कि जो प्रोक्योर करती है, मतलब जो खाद्यान्न उगाया जाता है उसको खरीदती है FCI यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम, खरीदने के बाद या क्या करती है उसको जमा करती है और राज्यों को दे देती है। मतलब खरीदेगी, किसानों से इसे खरीदेगी FCI, खरीदने के बाद राज्यों को देगी, राज्य उसे क्या करेंगे, उसे बांटने का काम करेंगे। तो FCI के द्वारा कहा गया कि हमारे पास में पर्याप्त खाद्यान्न है, डरने की आवश्यकता नहीं है। अभी जो रबी फसल अभी कटा है उसका केवल 30% हम लोगों ने प्रोक्योर किया है और हमारे पास पर्याप्त खाद्यान्न है। 70% प्रोक्योर किया जाना अभी बाकी है, तो हमारे पास कितना खाद्यान्न होगा। खाद्यान्न के लिए अब भारत दूसरे देशों पर निर्भर नहीं है, हमारे पास पर्याप्त खाद्यान्न है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं, इन सारी बातों को आप ध्यान रखें। हमारे डिस्कशन का चौथा प्रश्न क्या कहता है, नारकोंडम हॉर्नबिल निम्नलिखित में से कहां पाया जाता है। यहां पर 3 क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है नारकोंडम हॉर्नबिल कहां पाया जाता है। फ्रेंड्स, आप हमारे इस डिस्कशन को GS पेपर 3 के जैव विविधता और इंडेंजर्ड स्पीसीज से जोड़कर देख सकते हैं। यदि हम बात करें फ्रेंड्स नारकोंडम हॉर्नबिल का, तो ये ना तो पश्चिमी घाट में पाया जाता है ना तो लक्षद्वीप में पाया जाता है, ये केवल और केवल अंडमान के नारकोंडम आइलैंड में पाया जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो 36 द्वीपों का समूह है। इन द्वीपों में से जो नारकोंडम द्वीप है, जो कि एक निष्क्रिय ज्वालामुखीय द्वीप है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ यहीं पर यह नारकोंडम हॉर्नबिल पाया जाता है।
अगर हम बात करें हॉर्नबिल का तो ये पूरे भारत में पाए जाते हैं, मुख्य रूप से हमारे भारत का जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है वहां पाया जाता है, तमिलनाडु में, पूर्वी घाट में, पश्चिमी घाट में, सभी जगह पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से नागालैंड वाले क्षेत्रों में इसे पाया जाता है और नागालैंड की राजकीय पक्षी भी है, तमिलनाडु की भी राजकीय पक्षी हॉर्नबिल ही है, लेकिन यहां पर हम लोगों को पूछा गया है नारकोंडम हॉर्नबिल के बारे में, तो आप याद रखेंगे ये अंडमान के नारकोंडम आइलैंड में पाया जाता है, नारकोंडम द्वीप में पाया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी होगा, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। अगर इसके इससे जुड़े हुए ये देखने में कुछ इससे इस प्रकार के होते हैं, इनका जीवन काल बहुत लंबा होता है, लगभग 150 साल के आसपास ये जीते हैं, इंसानों का भी इतना नहीं है, इंसान जितना जीते हैं उससे दोगुना तो ये जी लेते हैं। नारकोंडम हॉर्नबिल के बारे में एक महत्वपूर्ण बात आपको ये याद रखना है कि ये जितने भी हॉर्नबिल की प्रजाति पाई जाती है उनमें सबसे छोटी होती है, ये बात आप याद रखेंगे, और ये IUCN रेड लिस्ट के अंतर्गत इंडेंजर्ड के रूप में और भारतीय कानून जो कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है उसके अंतर्गत परिशिष्ट एक में, इसको अनुसूची एक में इसको शामिल किया गया है, तो ये भी आप याद रखेंगे। अगर इससे जुड़े हुए कुछ अन्य बातों की हम ध्यान दें जिससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये हमारा प्यारा भारत, ये रहा नारकोंडम द्वीप और उसके ठीक नीचे में बैरन द्वीप है। ये जो बैरन द्वीप है वो एक सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है भारत का। नारकोंडम द्वीप जो है वो एक निष्क्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, ये ऊपर है और ये नारकोंडम ऊपर है और ये नीचे है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। ये एक और पिक्चर है उसके माध्यम से देखें कि नारकोंडम है, नीचे में बैरन है, तो इसे आप देख लेंगे। इससे जुड़े हुए जो प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं ये कि नारकोंडम जो है वो अंडमान में है कि निकोबार में, तो आप कहेंगे अंडमान में है, निकोबार नीचे है, अंडमान ऊपर है। दूसरा जो पूछा जा सकता है जो न्यूज में है वो कोको द्वीप है, कोको द्वीप भारत का नहीं है, कोको द्वीप जो है उस पर म्यांमार शासन करता है, मतलब वो म्यांमार का हिस्सा है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। इंदिरा पॉइंट भी इस बार न्यूज में था तो ये भी आप देख लेंगे, ये सबसे न्यूनतम बिंदु है। उत्तरी सेंटिनल द्वीप के बारे में भी लगातार न्यूज में आता रहा, ये 2018 से ही न्यूज में बना हुआ है, क्योंकि एक अमेरिकी धर्म प्रचारक थे जो ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए यहां पर पहुंचे थे, तो यहां पर जो जनजाति रहती है सेंटिनलीज जो जनजाति रहती है उन्होंने उसके उसको पीट पाट के मार दिया था, तो फिर उस समय से ये न्यूज में बनी हुई है और ये अभी भी न्यूज में है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से यदि कोरोना वायरस एक बार यहां पहुंच जाता है तो पूरा पूरा समुदाय यहां समाप्त हो जाएगा, तो कोशिश की जा रही है कि यहां तक तो ना पहुंचे, देखिए किस प्रकार से कार्य किया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी अंडमान निकोबार, हॉर्नबिल और नारकोंडम द्वीप से संबंधित, सारी बातों को आप ध्यान रखें। हमारे डिस्कशन का पांचवा और अंतिम प्रश्न क्या कहता है, चंद्रशेखर सीमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दो कथन दिए गए हैं, आपको सही कथन की पहचान करनी है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं चंद्रशेखर सीमा क्या होता है, तो फिर आपको आसान हो जाएगा। आप हमारे इस डिस्कशन को GS पेपर 3 के स्पेस से जोड़कर देख सकते हैं। यदि हम बात करें फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने अपने पिछले डिस्कशन में एक चीज को डिस्कशन किया था, एक ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में डिस्कशन किया था। ड्वार्फ प्लैनेट क्या होता है, एक सूर्य है और एक ग्रह है जो सबसे ज्यादा द्रव्यमान का है, मतलब हमारे सौर मंडल के हिसाब से बृहस्पति सबसे बड़ा है और सबसे ज्यादा द्रव्यमान का भी है। एक सूर्य है और वो सबसे ज्यादा चमकीला है और बृहस्पति ग्रह की तुलना में बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा द्रव्यमान वाला है। अगर कोई ऐसा ग्रह हो जो ना तो गैसीय ग्रह के जितना द्रव्यमान का रखता हो और ना तो सूर्य के जितना द्रव्यमान रखता हो, इन दोनों के बीच का ऐसा तत्व, ऐसा ग्रह जो दोनों के बीच का हिस्सा हो, तो उस वाले को ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है। समझ लिया, मतलब सूर्य के द्रव्यमान से थोड़ा कम और गैसीय ग्रह यानी कि गैसीय ग्रह में जो सबसे बड़ा है उसका से थोड़ा सा ज्यादा, वो जो ग्रह होगा उसे ही ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाएगा और हिंदी में उसे क्या कहेंगे, बौना ग्रह कहेंगे। अब क्या हुआ कि ड्वार्फ प्लैनेट जो होते हैं वो दो होते हैं, एक होता है रेड, एक होता है व्हाइट।
जो रेड होता है वो सूर्य के तुलनात्मक रूप से थोड़ा नजदीक होता है और थोड़ा बड़ा भी होता है, और जो व्हाइट ड्वार्फ प्लैनेट होता है वो रेड ड्वार्फ प्लैनेट की तुलना में थोड़ा छोटा होता है और द्रव्यमान में भी कम होता है। हम लोगों ने पिछले बार देखा था व्हाइट ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में भी और रेड ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में भी। आज हम लोगों के लिए क्या महत्वपूर्ण है, ये कहता है चंद्रशेखर सीमा। देखिए चंद्रशेखर सीमा जो है वो एक नामकरण है जो भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के सम्मान में दिया गया है। ये क्या है, यदि कोई ऐसा ड्वार्फ प्लैनेट है जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान की तुलना में 1.4 गुना कम है, 1.4 गुना कम है, तो उसे ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है। समझ गया, मतलब मान लीजिए कि कोई मतलब कोई तारा है यानी कि सूर्य है मान लीजिए, तो सूर्य का द्रव्यमान मान लेते हैं कि 2 है, 2 केजी है, सूर्य का द्रव्यमान मान लेते हैं 2 केजी है। अगर एक ऐसा प्लैनेट, एक ऐसा ग्रह जिसका द्रव्यमान 1.4 किलोग्राम हो गया तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ड्वार्फ प्लैनेट कहेंगे, और ड्वार्फ प्लैनेट में भी रेड प्लैनेट नहीं कहेंगे, उसको व्हाइट प्लैनेट कहेंगे। समझ आ गया आपको। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि चंद्रशेखर सीमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कहता है चंद्रशेखर सीमा अब सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1.4 गुना स्वीकार किया गया है। याद कर लीजिए, बिल्कुल फैक्ट है, मतलब चंद्रशेखर सीमा अब मान लिया गया है कि यदि किसी ग्रह का द्रव्यमान सूर्य की तुलना में 1.4 गुना होगा तो उसको हम लोग ड्वार्फ प्लैनेट कहेंगे। ठीक, दूसरा, इस द्रव्यमान से कम होने पर उसे व्हाइट ड्वार्फ प्लैनेट, हमेशा के लिए ड्वार्फ प्लैनेट रहेगा। अगर 1.4 गुना द्रव्यमान से कम अगर कोई ग्रह का है तो वो हमेशा के लिए व्हाइट ड्वार्फ प्लैनेट रह जाएगा। मैंने अभी बताया था ना, 2 है, एक रेड और एक व्हाइट, तो अगर वो कम है इससे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वो हमेशा के लिए व्हाइट ड्वार्फ प्लैनेट रह जाएगा। लेकिन अगर उससे ज्यादा हो गया तो फिर सुपरनोवा की तरफ बढ़ेगा। सुपरनोवा मतलब क्या, यदि कोई ग्रह, यदि कोई तारा, या तो यदि कोई, हाँ स्पेशली तो यदि कोई तारा जो अब सूर्य का प्रकाश नहीं फैला रहा है, मतलब अगर कोई तारा है उससे प्रकाश नहीं निकल रही है और वो अब धीमा होने लगा है, कुछ समय के बाद क्या होगा, वो फट जाएगा। जब वो फट जाएगा ना तो उसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, विस्फोट होने वाले कंडीशन को हम कहेंगे सुपरनोवा। समझ आ गया। तो यदि कोई ऐसा ड्वार्फ प्लैनेट है जिसका द्रव्यमान 1.4 गुना से ज्यादा है तो वो सुपरनोवा की तरफ बढ़ रहा है, और यदि कम है तो वो हमेशा के लिए व्हाइट ड्वार्फ प्लैनेट बना रहेगा। आई होप आपने समझ लिया कि चंद्रशेखर सीमा क्या है, सुपरनोवा क्या है, ड्वार्फ प्लैनेट क्या है, ये सारी बातें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, तो आप ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी फ्रेंड्स हमारे ड्वार्फ प्लैनेट और आज के करेंट अफेयर न्यूज से संबंधित। आप इन सारी बातों को ध्यान रखें। हमारे द्वारा PDF उपलब्ध कराया जाता है फ्री में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो YouTube का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पर आपको दिया गया है इसका लिंक, आप जाकर वहां से देखें। बहुत सारे लिंक पड़े हैं वहां से देखें, इसके PDF के लिए लिंक है, वहां जाकर इसे आप डाउनलोड कर लें। थैंक यू वेरी मच।